नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। आपके साथ मैं हूं नंदिनी पाठक। दर्शकों, जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं जिनके बारे में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां देना चाहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं और हर बार हमारे यहाँ पर एक नए विषय पर चर्चा की जाती है और इन चर्चाओं को खास बनाने के लिए हर बार हमारे स्टूडियो में मौजूद होते हैं तमाम विशेषज्ञ जो ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर शेफाली मजूमदार, जो कि आई सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई बैंक इंचार्ज है एसएन मेडिकल कॉलेज में। इनका स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। तो दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वो है नेत्रदान को लेकर। नेत्रदान कैसे कर सकते हैं आप, इनके क्या फायदे होते हैं, किसी की आंखों को अगर आप डोनेट कराते हैं, जो व्यक्ति अपनी आंखें डोनेट करता है तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, समाज में कितनी अच्छी चीजें आ सकती हैं, इन सबके बारे में चर्चा करेंगे डॉक्टर के साथ। चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल डॉक्टर, अगर हम बात करें नेत्रदान की तो कहीं ना कहीं लोगों को ये शब्द सुनकर ही एक डर सा लग जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कि नेत्रदान, लोग आगे क्यों आए नेत्रदान करने के लिए, तो एक जो लोगों को समझ में आए ये चीज़ हम उनको कैसे समझा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रोग्राम के शुरू में हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेत्रदान से हम किन किन लोगों को रोशनी दे सकते हैं और नेत्रदान क्यों ज़रूरी है। तो ये जो काला कंचा आप हमारी आंख में देखते हैं, ये काला कंचा एक अंदर जो एक काली टिश्यू है उसकी वजह से है। अदरवाइज़ इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक एक कवर है। तो वो जो ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट कवर है, दैट इज़ कॉल्ड एज पुतली और कॉर्निया। तो अगर पुतली या कॉर्निया किसी भी बीमारी से ख़राब हो जाती है तो वो दवाइयों से वापस ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, मतलब पहले जैसी नहीं हो सकती, तो पेशेंट की रोशनी चली जाती है। दवाइयाँ पूरे विश्व में ऐसी कोई नहीं बनी जो पुतली को वापस ठीक कर सके, तो इसके लिए हमें पुतली का ही प्रत्यारोपण करना पड़ता है जी। और पुतली का प्रत्यारोपण तब होता है जब कोई अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद उस पुतली का नेत्रदान करता है। सो बेसिकली नेत्रदान का मतलब पूरी आँख को निकालना नहीं है। आज के टाइम में हम ये 10 से 12 मिलीमीटर का जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, पारदर्शक झिल्ली जो है, सिर्फ इसको निकाल के लाते हैं। सो ये सबको समझना चाहिए, ये बड़ा छोटा सा 10 से 15 मिनट का काम होता है और ये चमत्कारी झिल्ली से जो लोग दृष्टिहीन हैं, पुतली की बीमारियों से दृष्टिहीन हैं, उनको रोशनी मिल सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें कि समाज में नेत्रदान के जो प्रभाव पड़ते हैं, एक जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है लोगों की जिनकी रोशनी नहीं है या किसी वजह से जिनकी आंखें चली गई हैं, आंखों की रोशनी चली गई है, वो एक समाज पर जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या रहते हैं? देखिए, जब तक हम कॉर्निया या आई डोनेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके पास आंखें हैं वो इस दर्द को महसूस नहीं कर सकते। आप अपनी आंखों, दोनों आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, उसके बाद जस्ट फील द पेन। तो आपको लगेगा कि इस 10 से 12 मिलीमीटर की एक झिल्ली को दान करने से अगर हम किसी को रोशनी दे सकें, और स्पेशली जो ज़्यादातर इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं बहुत छोटी उम्र में अपनी रोशनी खो देते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। 75% ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, मतलब उनको हम रोक सकते हैं। जैसे चोट लग जाती है बच्चों को तो उनकी आंखें चली जाती हैं, टीके नहीं लगवाते उसकी वजह से आंखें चली जाती हैं, दिवाली होली इन पे बहुत ज़्यादा इंजरीज होती हैं, तो इन सबको हम बचा सकते हैं लेकिन बच नहीं पाते। तो अगर उनकी वहाँ पर रोशनी चली गई तो उसके बाद सिर्फ कॉर्निया ट्रांसप्लांट ही एक हमारे पास विकल्प है जिसे हमें उनकी खोई हुई रोशनी को वापस दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप बता रहे हैं कि जिनके चोट लगने से या किसी कारणवश जिनकी रोशनी चली जाती है उन्हें ट्रांसप्लांट हम करा सकते हैं, वहीं अगर हम बात करें जिनकी आँखों की रोशनी जन्म से ही नहीं है, क्या उन्हें भी आई ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है? रोशनी जाने के बहुत सारे कारण होते हैं। रोशनी जाने का मैंने कहा ना, नेत्रदान से सिर्फ वही दृष्टिहीनों को फ़ायदा होता है जिनका दृष्टि पुतली की बीमारियों की वजह से
गई है। तो कई ऐसे अनुवांशिक कारण होते हैं जिसमें जन्म से ही पुतली खराब होती है, तो उसमें हाँ पुतली के बदलने से डेफिनेटली वी कैन गिव विजन टू दोज पेशेंट्स ऑल्सो, लेकिन बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे मोतियाबिंद है, काला पानी है, उनका पुतली नेत्रदान से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग बीमारियाँ हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लेकिन पुतली की बीमारियाँ इसलिए हमारे लिए परेशानी है क्योंकि दवाइयाँ कोई नहीं है जी, उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, या जो चीज़ें कहीं ना प्रिवेंट तो कर सकते हैं, मतलब अगर हम बच्चों को असिस्ट करें होली दिवाली पे, उन्हें अकेला न छोड़ें, ठीक है, अगर हम उनको टीके लगवाएं, तो ये सब जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे खसरा हो गया, इनसे बच्चों की रोशनी चली जाती है, प्रिवेंट कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते। एक बार अगर पुतली खराब हो गई तो दवाइयों से उसे ठीक नहीं कर सकते, पुतली खराब होने के बाद फिर पुतली प्रत्यारोपण ही एक इलाज है, उसके लिए हम पूरी तरह नेत्रदान पर निर्भर करते हैं और नेत्रदान बहुत कम है। शायद लोगों को बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर, इस वजह से लोग आगे नहीं आते, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल थ्रू योर चैनल कि पिछले सालों में जैसे अगस्त 2015 से आई हैव स्टार्टेड दिस वर्क, और इस साल हमारे पास अभी तक 75 कॉर्नियाज आ चुकी हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 30 और 30-40 के बीच में थी। सो लोग आगे आ रहे हैं, लोग हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं, लोग हमें एनजीओस के थ्रू कॉल करते हैं, तो ये आगरा के लोगों को आई जस्ट वांट टू थैंक देम कि वो आगे आके और सबकी हेल्प कर रहे हैं जी। और आगरा के अलावा बाहर के भी लोग होंगे जो आपसे कांटेक्ट करते होंगे और जिनमें जागरूकता बड़ी है, वो लोग भी आपके पास आते होंगे? हाँ, पेरिफ्री से भी हमें कॉल्स आती हैं। देखिए हमारी टीम बहुत दूर तक नहीं जा सकती है, लेकिन सपोज़ कोई पेशेंट आया और उसको इमीडिएट कॉर्निया ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम जैसे लखनऊ की आई बैंक है और हमारे पास पुतली नहीं है, तो लखनऊ की आई बैंक को हम कॉल भेजते हैं और विद इन 7-8 आवर्स दे सेंड अस कॉर्निया। तो हम लोगों का एक अच्छा नेटवर्क बन गया है कि अगर, और लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में आई ट्रांसप्लांट, कॉर्निया ट्रांसप्लांट बिना किसी पैसे के हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो लोग आते हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, एंड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की आंखों की रोशनी किसी को वापस करना, किसी को वो दुनिया दिखा देना जिसकी शायद वो कल्पना भी नहीं कर सकता है या उसने कभी वो चीज़ें देखी नहीं, महसूस करता है सिर्फ जो इंसान, वही जान सकता है कि जिसकी आंखें नहीं है उसे कितनी तकलीफ होती होगी। और ये बहुत ही अच्छा काम है, जब लोग सामने आते हैं तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी ये काम करें या हमारे परिवार से भी कोई एक ऐसा व्यक्ति ये काम करे ताकि जो लोगों को समस्याएँ हैं वो उनकी दूर हो सकें और वो फिर से एक बार उस दुनिया में वैसे ही जी सके जैसे आप अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे हैं। वही अगर डॉक्टर हम बात करते हैं नेत्रदान की प्रक्रिया की, तो लोगों को कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया से भी डर लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, तो हम उस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं किस तरीके से नेत्रदान की प्रक्रिया होती है जिससे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस बढ़े। सबसे पहले तो इसका डिसीजन लेना, क्योंकि 6 घंटे का एक क्रिटिकल टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप अपना किसी भी प्रियजन का जिनकी मृत्यु हुई है उनके नेत्रदान आप कर सकते हैं। तो आपको तुरंत ये डिसाइड करना होता है कि आपको जो भी आसपास आई बैंक है उसको आप एक कॉल करें, जैसे आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज में आपका आई बैंक है तो आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं, या बहुत सारे एनजीओज हमसे जुड़े हुए हैं जैसे आगरा विकास मंच, क्षेत्र बजाजा कमेटी, संवेदना, तो ये सब लोगों के थ्रू भी हमारे पास कॉल्स आती हैं। उसके बाद अब करना क्या होता है, जैसे ही हमारे पास कॉल आती है तो हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं परिजनों को कि जिस कमरे में मृत व्यक्ति का शरीर रखा है तो उस कमरे में अगर कोई पंखा चल रहा है तो आप उसे बंद कर दीजिए और एसी चलने दीजिए, और आँखों के ऊपर गीली रुई, बंद करके आँखों को उनके ऊपर गीली रुई रख दीजिए, और अगर डेथ सर्टिफिकेट इस बीच में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमारी जो डॉक्टर्स की टीम जाएगी वो पहले ये कंफर्म कर लेती है कि डेथ हो चुकी है, और उसके बाद 15 मिनट के अंदर कंसेंट हम लोग लेते हैं एक जो भी बेटा बेटी या क्लोज जो भी है उसकी, और एक डिस्टेंट कोई भी रिलेटिव, दो लोगों की हमें कंसेंट चाहिए होती है इसके लिए, और उसके बाद 15 से 20 मिनट में हम दोनों कॉर्नियाज निकाल लेते हैं और वो एक मीडिया होता है उसमें रख के हम ले आते हैं, और विद इन 72 आवर्स आके हम अपने वेटिंग लिस्ट देखते हैं, हमारे पास वी ऑलवेज हैव अ वेटिंग लिस्ट ऑफ द पेशेंट्स, तो उसमें से सीक्वेंस वाइज जिसका भी नंबर होता है हम उन्हें कॉल करते हैं और 72 आवर्स के अंदर हम वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर देते हैं जी। तो क्या सिर्फ 72 घंटे तक ही वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराई जा सकते हैं? नहीं,
दो तरह के मीडियाज़ होते हैं, एक एम के मीडिया होता है, एक कॉर्निसोल होता है। एम के मीडिया में हम कॉर्निया को 4 दिन तक रख सकते हैं और कॉर्निसोल में हम 7 से 10 दिन तक रख सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें रिजल्ट्स उतने अच्छे आते हैं। सो वी ऑलवेज ट्राई कि विद इन 72 आवर्स वी शुड ट्रांसप्लांट द कॉर्निया। जी, और वहीं अगर नेत्रदान की जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर कितने समय तक वो आपको कंसल्ट करें, तब तक आप वो जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा हम रिजल्ट दे पाएंगे। मैक्सिमम टाइम लिमिट इज 6 आवर्स। ये 6 घंटे का टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई और कॉर्निया का न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है डेथ के बाद, तो 6 घंटे के बाद फिर कॉर्निया वाइबल नहीं रहती है, तो उसको फिर हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। जी, और वो रिजल्ट भी नहीं देगा तो कोई फ़ायदा भी नहीं, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर किसी की डेथ होती है तो उसके 6 से 7 घंटे तक आप उनका नेत्रदान करा दे तो वो कॉर्निया किसी को ट्रांसप्लांट की जा सकती है। उसके बाद वो डॉक्टर्स के हाथ में भी नहीं होता है कि वो किसी को वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करे, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं डॉक्टर, कहीं ना कहीं एक और चीज़ बड़ी है, जैसे कि आपने अवेयरनेस की बात की, लोग जागरूक हुए हैं पहले की अपेक्षा, आज बहुत लोग जागरूक हुए हैं और वो अपने जीते जी अपनी आंखें दान करने की बात करते हैं, तो उन केसेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए, जीते जी हम सिर्फ प्लेज कर सकते हैं, हम प्रतिज्ञा कर सकते हैं, और प्रतिज्ञा के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, वो हमारे डिपार्टमेंट में आके कोई भी भर सकता है। एज कोई वो नहीं है, किसी भी एज का व्यक्ति अपनी नेत्रदान कर सकता है। इवन जो पेशेंट्स कोई कुछ लोग जो डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, वो लोग भी अपनी आई दान कर सकते हैं, तो इस तरह का कोई परेशानी नहीं है। इवन कई दृष्टिहीन लोग होते हैं जिनकी दृष्टि काले पानी की वजह से या और बीमारियों की वजह से गई हुई है, काला पानी हो गया, पर्दा हट गया, इवन वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो उसमें करना सिर्फ यही है कि आप एक प्लेटफॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें ये लिखा होता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे नेत्रदान कर दिए जाएं। लेकिन मृत्यु के बाद इसको करना, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, परिवारजन हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, ये उन सब की ड्यूटी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा माहौल होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते। जी, तो ये बाकी समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें इस महान काम। और इस काम के लिए मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार होती है। जो व्यक्ति ये प्रतिज्ञा करता है वो काफ़ी सोच समझ के ये डिसीजन लेता है, और उसके बाद उसके परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें भी समझाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो। ऑब्वियसली बात है, जब किसी के परिवार में किसी की डेथ होती है तो वो माहौल ऐसा होता है, हाँ, कहीं ना कहीं ये समझ, लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि आपके प्रियजन की आंखों से लोग देख पा रहे हैं। तो जी, तो इस बारे में भी उन परिवार वालों को बताया जाता है जो परिवार का व्यक्ति अपनी आंखें दान करता है, कि जो किसी को ट्रांसप्लांट किया गया उसका कॉर्निया, तो उस व्यक्ति को बाद नहीं, ये चीज हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। सपोज हम कॉर्निया लेके आते हैं, उसके बाद कॉर्निया के साथ ब्लड सैंपल भी आता है, तो ब्लड सैंपल को हम इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, उसमें हम HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब रूल आउट करते हैं, ताकि कॉर्निया को ट्रांसप्लांट करते वक्त ये सारी बीमारियां किसी दूसरे को ना पहुंचें। इस सब से क्लियरेंस मिलने के बाद फिर हम कॉर्निया को एग्जामिन करते हैं। अगर हमें लगता है कि कॉर्निया इतनी अच्छी है कि किसी को ट्रांसप्लांट करके, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। सपोज कोई पेशेंट आया जिसको चोट लगी हुई है तुरंत, उसको सिर्फ आँख बचानी है, अभी हम उसके विजन का या दृष्टि का नहीं सोच रहे, हम सोच रहे पहले इसकी आँख बच जाए क्योंकि इस वक्त फटी हुई है, तो उस वक्त एक तो ये कारण हो गया। एक होता है कि स्कार बना हुआ है, उसकी सफ़ेद हो गई है पुतली, उसको दिख नहीं रहा, उसको पहले कुछ घाव या चोट लगी थी और अब रोशनी आने की उम्मीद है, अभी आँख शांत है, तो ये हो गया रोशनी के लिए जी ट्रांसप्लांट। तो इट डिपेंड्स कि कॉर्निया की क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। सपोज हमें लगता है कि कॉर्निया बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो हम दृष्टि के लिए करते हैं, अगर हमें लगता है कॉर्निया अच्छी क्वालिटी की नहीं है, सिर्फ आँख बचाई जा सकती है इससे, तो उसके लिए करते हैं। कई बार हमें लगता है कॉर्निया बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको हम रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। सो ईच एंड एवरी कॉर्निया विल बी यूटिलाइज्ड, कोई भी कॉर्निया वेस्ट नहीं जाता जी, कहीं ना कहीं, और जो रिसर्च की जाती है उनमें भी वो काम आता है। तो दर्शकों, चर्चा कर रहे हैं आज नेत्रदान को लेकर, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर शेफाली मजूमदार, और चर्चा कर रहे हैं नेत्रदान को लेकर। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, नेत्रदान आप कैसे कर सकते हैं, कहाँ जाकर आप नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं, जो परिवारीजन है वो किस तरीके से इस मामले में सावधानी रखनी है, और किसी पर्सन की डेथ के बाद आप 6 घंटे तक उनका नेत्रदान करा सकते हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर से जानेंगे। डॉक्टर, जैसा कि आप बता रहे थे कि सभी लोग लगभग अपना आई डोनेट कर सकते हैं, वहीं अगर हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते होंगे जिन पर खरा ना उतरने पर आप शायद नेत्रदान की सलाह उन्हें नहीं देते होंगे, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? अगर डेथ हुई है HIV की वजह से, अगर डेथ हुई है रेबीज़ की वजह से, हेपेटाइटिस बी सी की वजह से, या कोई पेशेंट को ब्लड कैंसर है, तो या फिर सेप्टिसीमिया है, मतलब पूरे शरीर में पस फैल गया है, तो ऐसे केसेस में हम कॉर्निया को नहीं लेते हैं। हम वी मतलब से थैंक्स कि उन्होंने हमें कॉल किया, और अपना जेस्चर दिखाते हुए वी से सॉरी कि हम आपका कॉर्निया नहीं ले सकते। और कई जगह ऐसा होता है कि नहीं पता होता कि क्या है, तो ब्लड सैंपल हम लेके आते हैं, उसमें अगर हमें निकलता है कि कुछ है पॉजिटिव वायरल मार्कर्स वगैरह, तो फिर हम पेशेंट को मतलब उसकी पूरी टेस्टिंग की जाती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्निया डोनेट करने के बाद अगर डॉक्टर्स को नहीं पता होता है तो उसकी पहले पूरी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही वो कॉर्निया किसी को ट्रांसप्लांट की जाती है, ताकि जो अगर कभी कभी किसी केस में ऐसा होता है कि HIV है या कोई संक्रामक बीमारी की वजह से डेथ हुई है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुँचे। अगर हम ये कहें कि इनमें जो सभी सावधानियाँ रखने के बाद भी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि वो कहाँ पर जाके नेत्रदान करा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया SN में जाके कंसल्ट कर सकते हैं हम, वहीं एक जो आपका ग्रुप है, एक पूरी जो चेन अब बनती जा रही है, समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनके कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को बताते हैं, तो क्या वहाँ पर भी लोग कंसल्ट कर सकते हैं पहले से आप लोगों को? हाँ, करते हैं। जैसे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग अपना प्लेटफॉर्म भरते हैं, तो जितने लोग भरेंगे जागरूकता फैलेगी। तो जब लोग हमें डायरेक्ट भी कॉल करने लगे हैं, पहले ज़्यादातर डायरेक्ट कॉल्स हमारे पास नहीं आते थे, लेकिन अब लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं। इवन अब जब हमारे SN मेडिकल कॉलेज के अंदर हॉस्पिटल में जैसे कोई एक्सपायरी होती है, तो वहाँ भी कैजुअल्टी से भी हमें कॉल आती है जो पहले नहीं आती थी। सो द ट्रस्ट इज़ बिल्डिंग अप एंड पीपल थिंक कि वी शुड तो जैसा कि आप बता रही हैं कि कई लोग फॉर्म भरते हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से भी अब जागरूकता आ रही है। वहीं अगर हम कुछ बात करें कि कानूनी प्रक्रिया की, तो अगर किसी एक्सीडेंटल केस में या कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो क्या वहां पर कानूनी प्रक्रिया ज़रूरी हो जाती है, उसके बाद ही आप नेत्रदान का प्रोसीजर करा सकते हैं? एक्सीडेंटल केस, यू नो यू मीन टू से मेडिको लीगल केसेस, उसमें थोड़ी सी परेशानी है। उसमें अभी हम डायरेक्ट कॉर्निया नहीं ले पा रहे हैं लाइक मॉर्चुरी से, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें एक क्लियरेंस चाहिए। वो हम उस प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। लखनऊ की तरह हम एक लेटर चाहते हैं कि हमें भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से वो हेल्प मिले कि अगर आई डोनेशन या कॉर्निया को लेके उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ इशू नहीं बनता, तो एटलीस्ट वी कैन रिट्रीव द कॉर्निया फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। हाँ, अगर वो अच्छी स्थिति में, मतलब हमारे पास टाइम लिमिट है, विद इन 6 आवर्स वी विल हैव टू टेक द कॉर्निया। जी जी बिल्कुल, तो ये प्रक्रियाएं भी ये चल रही है। हाँ हाँ, प्रिंसिपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बात चल रही है कि हमें भी एक लेटर ऑन बिहाफ ऑफ KGMU हमें बिल्कुल, जब इतना अच्छा काम हो रहा है तो आशा है कि बहुत जल्दी ये भी हो जाएगा, और जो लोगों को इसके फायदे मिल रहे हैं वो और भी बढ़ेंगे। लोगों की जो रोशनी, जिनके पास नहीं है आंखों की रोशनी नहीं है उनकी, उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और जब इतना अच्छा काम किया जा रहा है तो हम आशा करते हैं कि ये भी बहुत जल्दी पास हो जाए, और ये जो चीज़ें अभी अटकी हुई हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम के लिए आगे आए। वहीं अगर हम बात करते हैं एक समाज पर प्रभाव की हमने बात की, कार्यक्रमों के माध्यम से तमाम जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं लोगों के लिए, तो अगर हम बीते 10 सालों की बात करते हैं, तो आप क्या फर्क महसूस करती हैं तब के टाइम पे और अब के टाइम पे, लोगों की जो अवेयरनेस है उसमें कितना इजाफा हुआ है? देखिए, आई हैव जॉइन द डिपार्टमेंट इन 2015 एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो तब से अगस्त 2015 आई टुक द चार्ज ऑफ आई बैंक, और तब से लेके अब तक, मतलब विद इन लास्ट 4 ईयर्स अगर मैं देखूँ, तो जो कॉर्निया आई डोनेशन 30 या 40 के आसपास फर्स्ट ईयर में था, वो अभी बढ़ के 80 के आसपास हो गया है। सो ये कांस्टेंट और ये टीम एफर्ट है सभी का मिलजुल के,
समाज का, समाज सेवी संस्थाओं का, हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से लेके हमारे स्टाफ तक का, हर कोई, मतलब चाहे छुट्टी हो, दिवाली हो, दशहरा हो, स्टाफ कभी ये नहीं कहता कि मैडम आपने ओटी खुलवा दी, क्योंकि हमें आई डोनेशन आने के बाद 72 आवर्स के अंदर ट्रांसप्लांट करना है. तो दे नेवर से कि आप मैडम ने छुट्टी में हमें बुला लिया, क्योंकि दे अंडरस्टैंड कि कितनी इम्पॉर्टेंस है, कितनी मुश्किल से ये कॉर्निया आई है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो सबको खुशी होती है. तो ये एक, मैं तो सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हम सब मिलके इस काम को, भगवान आशीर्वाद बनाए रखे और हम सब मिलके ये काम करते रहें. बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समाज सेवा का काम भी है कहीं ना कहीं. एक डॉक्टर होने के नाते जो आप काम कर रही हैं वो कहीं ना कहीं समाज को एक नई दिशा दे रहा है. और जिन लोगों के आँखों की रोशनी नहीं है, जब उनकी आँखों की रोशनी आती है तो उनकी जो खुशी है, उनके परिवार वालों की जो खुशी है, उसकी भी वजह से कहीं ना कहीं ये सक्सेस लगातार आ रही है और ये आगे भी बढ़ेगी. वहीं अगर हम बात करते हैं डॉक्टर, जिन लोगों की, कुछ लोगों की ऐसी दृष्टि होती है जिन्हें 25% दिखाई देता है या कुछ परसेंट दिखाई देता है, पूरी तरीके से ब्लाइंड नहीं होते हैं वो, क्या उन लोगों का भी कॉर्निया आप दान कर सकते हैं या उनका भी ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं? कॉर्निया दान और वो उनका जो आई डोनेशन होता है, क्या ऐसे क्या लोग वो लोग आई दान कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जैसे आपने कहा कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज इज बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, लाइक उसको काला पानी है, उसको पर्दे की बीमारी है, या उसको कोई रिफ्रेक्टिव एरर है जिसकी वजह से, या एम्लायोपिया, मतलब बचपन में उसने चश्मा नहीं लगाया इसलिए रोशनी उसकी चली गई, उसकी पुतली बिल्कुल ठीक है, तो ऐसे लोग भी अपने नेत्रदान कर सकते हैं. अब इन लोगों को, इसी का दूसरा क्वेश्चन है, क्या इन लोगों को नेत्रदान से फायदा होगा? कोई और करे तो इनको फायदा होगा? इनको नहीं होगा, क्योंकि इनकी नेत्रदान से सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फायदा होता है जिनकी पुतली खराब है. जी, तो ये चीज हमें समझने की है, क्योंकि जैसे अगर देश में देखा जाए तो दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है. पर मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद को तो हम ऑपरेट कर देते हैं, उसको हटा के उसकी जगह लेंस डाल देते हैं, तो वो क्यूरेबल है. दूसरा जो कारण आता है वो चश्मा लगना. तो ये भी नंबर सेकंड कारण है पूरे देश में दृष्टिहीनता का, कि लोग बचपन में चश्मा नहीं लगाते, सही टाइम पे चश्मा नहीं लगता, और फिर चश्मा लगाने के बाद भी रोशनी पूरी नहीं आती. एक टाइम जब निकल जाता है, 8 साल के बाद अगर आप देखें तो चश्मा लगे तो वो पूरी रोशनी नहीं आती. ये एक सेकंड कारण है. थर्ड इज ग्लॉकोमा, काला पानी जिसको कहते हैं. लेकिन काला पानी का ये है कि अगर दो, इट इज़ अ साइलेंट किलर, पता नहीं चलता ज़्यादातर केसेस में कि पेशेंट की रोशनी जा रही है. वो तो जब हमारे पास आता है तब हम उसको बताते हैं, अरे तुमको काला पानी है. लेकिन जब उसका डायग्नोसिस हो जाता है तब दवाइयों से काला पानी का फर्दर प्रोग्रेशन हम रोक सकते हैं, और दवाइयों के अलावा सर्जरी से भी उसका हम बचाव कर सकते हैं ताकि आगे की रोशनी ना गिरे. लेकिन जो खो चुकी होती है उसको हम काला पानी में भी वापस नहीं ला सकते. लेकिन पुतली की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें दवाइयों का कोई रोल ज़्यादा नहीं है, मतलब इसको ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते. इसको हील कर सकते हैं, हील करने के बाद जो स्कार रह जाएगा, क्योंकि 10 से 12 मिलीमीटर का एरिया है, तो स्कार जो भी पड़ेगा, अगर 4-5 मिलीमीटर का भी स्कार पड़ता है तो पूरी रोशनी चली जाती है. जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है जिसको अभी टाइम लगेगा. मेडिकल साइंस ने जब इतनी तरक्की की है तो आगे भी करेगी. हाँ, और कहीं ना अभी कहीं कृत्रिम, हाँ, जैसे आर्टिफिशियल कॉर्निया पे वर्क इज गोइंग ऑन, लेकिन अभी तक कुछ सफलता हासिल नहीं हुई है. जी, बहुत ये ऐसे केस हैं, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें डॉक्टर चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं. हाँ, जब तक समय नहीं आता है. हाँ, बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं, लेकिन जिन लोगों, जितने भी लोगों की आप रोशनी आंखों की वापस कर सकते हैं, जिनके आप नेत्रदान के सहारे जिनकी रोशनी वापस ला सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं उनकी वजह से भी वो आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, और सकारात्मक जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं. और जब आगरा में इतना बड़ा है, ये चलन बढ़ा है, लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो आगे भी ये चीज़ें बढ़ेंगी और लोग इसके लिए आगे आएंगे. वहीं अगर हम बात करते हैं SN में जो ट्रांसप्लांट की, तो लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम अगर जाएंगे हॉस्पिटल में काफ़ी खर्चा होगा, या डॉक्टर्स पता नहीं कितने टाइम तक ट्रीटमेंट कराएंगे हमें, बाद में रोशनी आई नहीं आई, कितने परसेंट ये सफल होगा ऑपरेशन. तो हम पहले बात करना चाहेंगे उनकी बजट की, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं पैसा एक ऐसी चीज़ आ जाती है जहाँ वो झिझकते हैं. तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि SN मेडिकल कॉलेज में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं लोगों को जिसके बारे में नहीं पता है. SN मेडिकल कॉलेज में कॉर्निया ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, अगर हमारे पास कॉर्निया है.
सपोज़ अगर हमारे पास कॉर्निया नहीं है और हमें कॉल भेजना है, इमरजेंसी है, कॉल भेजना है KGMC, तो वहाँ से आप KGMU के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपको एक नॉमिनल चार्जेस डिपॉजिट करने होते हैं, दैट इज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन फीस मेनली, जिसमें मीडिया का जो जिसमें रख के कॉर्निया आएगी और उसका बस से जो भी किराया लगेगा, दैट इज़ नियर अबाउट 2900। तो ये एक पैसा सीधे बैंक अकाउंट में, KGMU के बैंक अकाउंट में जाता है और वहाँ से आपको वो रसीद मिलेगी, उसके बाद वहाँ से वो कॉर्निया आती है। और सपोज़ हमने, हमारी कॉर्निया है जैसे आगरा या पेरिफ्री से हमारे पास कॉर्निया आई है, तो कोई चार्ज नहीं है, देयर इज़ नथिंग, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कॉर्निया नहीं मिलती है उसके बाद लोगों के पैसे खर्च होते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि कहीं डॉक्टर्स उनके लिए पता नहीं इतने चार्जेस क्यों लगा रहे हैं प्राइवेट में। हाँ नहीं, आई शुड मेक इट वेरी क्लियर कि अगर लखनऊ से कॉर्निया आएगी तो 2900 रुपीज़ वो KGMU के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आगरा से कॉर्निया है या हमारी पेरिफ्री से कहीं से भी हमारे आई बैंक में कॉर्निया आई हुई है, तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जब लोगों को नहीं पता होता है तो कई बार चीज़ें लेकिन पोस्ट ऑप केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका पोस्ट ऑप पीरियड लंबा चलता है। कैटरेक की तरह नहीं है कि 1.5 महीना दवाई की और उसके बाद कुछ नहीं, इसका जो पोस्ट ऑप केयर है वो पूरा 1 साल तक चलता है और कभी कभी लाइफ लॉन्ग भी आपको 1-2 ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि पुतली बदलवाने भर से रोशनी नहीं रहती है, उसके बाद जो सावधानियाँ हैं। हाँ, रिजेक्शन दूसरे की चीज़ है, ये ट्रांसप्लांट है, दूसरे के शरीर की चीज़ आपको दी जा रही है, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, रिजेक्ट करता है, इसको टाइम लगता है और इसका रिस्क थ्रू आउट लाइफ बना रहता है। तो हमारे पास बराबर फॉलोअप में आना पड़ता है, उसमें खर्चा होता है, तो हमेशा हम पेशेंट के अटेंडेंट को ये समझाते हैं कि अगर आप इस सब के लिए तैयार हैं तभी आप ये पुतली बदलवाइए। जी जी, क्योंकि बाद का केयर बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, तो वही सावधानियों की बात करते हैं, जिसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया है उसको बाद में क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सफल ऑपरेशन करते हैं लेकिन उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं होता है, तो उसके भी कहीं ना कहीं वो कारण होते हैं, तो इनके बारे में जानना चाहेंगे। इनके बारे में मोटा मोटा ये है कि अगर जैसे हम आपको एक डेट देते हैं, आपको डिस्चार्ज करते हैं, हम 4-5 दिन अपने पास आपको रखते हैं, भर्ती रखते हैं पुतली के ऑपरेशन के बाद, उसके बाद पेशेंट को हर बार एक डेट दी जाती है कि इस दिन फलाने दिन एक एक हफ्ते में आपको फॉलोअप पे आना है ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आफ्टर द सर्जरी। तो अगर आप पहले महीने जब आपको डॉक्टर बुलाएंगे तब आप आएंगे, अपनी सारी दवाइयां आपको लेके आनी है, आपको जो भी समझाया गया है उसी की तरह आपको दवाई डालनी है। अगर इतना भर पेशेंट कर लेता है, सपोज़ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उसकी भी दवाइयां उसको साथ चलानी होती हैं। खाने पीने में हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर उसको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो उसका उसको ख्याल रखना चाहिए। ये सब बातें अगर पेशेंट मानता है, फॉलोअप में आता है, तो उसका कॉर्निया 99% टाइम सक्सेसफुल होता है। जी बिल्कुल, अमंग मतलब ऑल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट। बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो सावधानियां हैं वो रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉरेन पार्टिकल को बॉडी अगर नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी तो ज़रूरी है ही। जो भी दवाइयां हम चला रहे हैं वो आप चलाइए, और छोटी मोटी केयर जो हम सारे आई ऑपरेशंस में करते हैं, जैसे आपको धूल मिट्टी धुएं से दूर रहना है, ये तो हम सारे ही ऑपरेशन छोटे मोटे ऑपरेशंस में भी आपको सलाहें देते हैं, तो वो आपको रखनी है। बिल्कुल, तो दर्शकों आज के एपिसोड में हमने चर्चा की है नेत्रदान को लेकर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको ज़रूरत है नेत्रदान करने की, जो पहल की जा रही है उसमें जिन भी लोगों को सहयोग करना है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सहयोगी संस्थाएँ काफ़ी हैं जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आगरा में SN मेडिकल कॉलेज में जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एक फ़ोन नंबर है जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, वो फ़ोन नंबर हम आपको बता देते हैं 7017569070, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी डेथ हुई है किसी के आपके परिवार में और वो अपना नेत्रदान करना चाहता था, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम डॉक्टर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और लोगों से बस यही अपील है कि जितना हो सके इस काम को आगे बढ़ाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक जो दान है वो किसी की ज़िंदगी बना सकता है। तो अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।